आईपीएल के 10वें सीजन का दूसरा मैच बेहद रोमांचक रहा। ये मैच राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। मुंबई में खेले गए आईपीएल के इस रोमांचक मैच में पुणे ने एक गेंद शेष रखते हुए मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। मुंबई इंडियंस की ओर से हार्दिक पांड्या ने 15 गेंदों पर नाबाद 35 रन जड़े, लेकिन आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा रन मैच के आखिरी ओवर में बटोरे। ये ओवर पुणे के गेंदबाज अशोक डिंडा ने फेंका था, जो कि आईपीएल का अभी तक का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ। इस ओवर में मुंबई की टीम ने पूरे 30 रन जुटा लिए। दरअसल पुणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था। मुंबई इंडियंस के 19वें ओवर तक 154 रन बने थे। 20वां ओवर अशोक डिंडा को फेंकना था और क्रीज पर हार्दिक पांड्या थे। हार्दिक पांड्या ने इस ओवर में 4 छक्के जड़े और 1 चौका मारा। डिंडा ने अलग अलग लेंथ की गेंद फेंकी, लेकिन पांड्या ने हर गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचा दिया। इस तरह 5 बॉल में ही 28 रन बन गए और टीम का स्कोर 154 से 182 रन पर पहुंच गया। आखिरी गेंद पर 2 रन मिले। मुंबई ने हार्दिक पांड्या की दमदार पारी की बदौलत 8 विकेट पर 184 रन बनाए। 184 रन के जवाब में पुणे ने 19.5 ओवर में 3 विकेट पर 187 रन बनाकर रोमांचक जीत दर्ज की। NMF न्यूज की रिपोर्ट।